इस तरह मिल कि मुलाकात अधूरी न रहे, इस तरह मिल कि मुलाकात अधूरी न रहे, जिंदगी देख कोई बात अधूरी न रहे। मेरी कोशिश है कि मैं उससे कुछ ऐसे बोलूं, मेरी कोशिश है कि मैं उससे कुछ ऐसे बोलूं, लफ्ज निकले ना कोई बात अधूरी न रहे, इस तरह मिल कि मुलाकात अधूरी न रहे। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, शबनम के साथ हैं आप। स्वागत है आप सभी का कलाकार बेमिसाल में। मौसम भीगा भीगा, डम डम भीगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी, बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम, तेरी कसम तू मेरी जान है, मुखड़ा भोला भाला झुक के डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला झुक के डाका डाला, जाने तू कैसी मेहमान है, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। साठ में आई थी फिल्म छलिया, राज कपूर और नूतन की एक बहुत ही चर्चित फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आज भी इसके गाने बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, सराहना मिलती है इस फिल्म को। वैसे छलिया फिल्म को एक और वजह से याद किया जाता है, ये मशहूर निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई की पहली फिल्म थी। आज कलाकार बेमिसाल में बातें उन्हीं की, जिन्होंने कई अभिनेताओं को सितारा बनने में मदद की। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, अदाए दिल की जानता ही नहीं, अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा
यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए ना ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। बात करती हो बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। से बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। 26 फरवरी 1937 को गुजरात में जन्मे थे निर्माता, निर्देशक और लेखक मनमोहन देसाई। 1960 से 1993 तक उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उनकी ज्यादातर फिल्में कामयाब रहीं। 1960 में छलिया से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन नूतन और राजकुमार की ये जो फिल्म थी ये ज्यादा चल नहीं पाई। इसके बाद मनमोहन देसाई ने राजकुमार फिल्म की कहानी लिखी। जी हाँ, और कहानी बेहद कामयाब रही। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे।
पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें रख दो। ए मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो। तूने पुकारा और हम चले आए, जान है तेले पर ले आए रे। तूने पुकारा और हम चले आए, जान है तेले पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। बुगारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने बुगारार हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने बुगारार हम चले आए। राजकुमार एक शानदार फिल्म थी। इसका संगीत, स्टार कास्ट, कहानी सब कुछ बेहतरीन था। ये 1964 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। राजकुमार से मनमोहन देसाई को एक सहारा मिला नए जोश के साथ आगे बढ़ने का। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सच्चा झूठा, किस्मत, देश प्रेमी, रामपुर का लक्ष्मण, सुहाग, परवरिश, वे एक से बढ़कर एक फिल्में बनाते गए। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि याद मेरी दिल तेरा
खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा ज्ञान। नहीं मैं तेरे दिल की कहता हूँ। तौबा तौबा फिर क्या होगा के बाद में तू एक रोज पछताएगी। ये रुत प्यार की जुदाई में ही गुजर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा ज्ञान। जगह पे तू भी कातिल है, पर यारों से तेरा बचना मुश्किल है। तौबा तौबा फिर क्या होगा के प्यार में नजर जब भी टकराएगी। तड़पती हुई मेरी जान तू नजर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो लूट कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या।
मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले लिए मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान ¶¶
यूं तो मनमोहन देसाई ने अपने जमाने के ज्यादातर अभिनेताओं के साथ फिल्में बनाई, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन उस जमाने में अगर मनमोहन देसाई से ना मिले होते, उनके साथ काम नहीं किया होता, तो शायद उनकी कामयाबी की दास्तान अधूरी होती। मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने लगातार 8 फिल्मों में काम किया और ये सभी सुपरहिट रहीं। इनमें परवरिश, अमर अकबर एंथनी, नसीब, कुली, मर्द, सुहाग, गंगा जमुना सरस्वती, देश प्रेमी और तूफान जैसी फिल्में शामिल हैं।
साल के फिल्मी करियर में मनमोहन देसाई ने 20 फिल्में बनाई जिनमें से 13 सुपरहिट रहीं। मनमोहन देसाई ने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया। एक तरफ उन्होंने मर्द और धर्मवीर जैसी मसाला फिल्में बनाई तो दूसरी तरफ देश प्रेमी, अमर अकबर एंथनी और रोटी जैसी फिल्में बनाकर देश प्रेम और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल भी क्रिएट किया। वाकई में बहुत ही बड़े, बहुत ही जबरदस्त फिल्मकार रहे मनमोहन देसाई। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। हो रूप मिट जाता है ये प्यार, ऐ दिलदार नहीं मिटता। ये दिल बेईमान मचल जाएगा।
जादू तो मनमोहन देसाई का चला दर्शकों पर। उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और वे खुद भी प्यार और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। जो काम बड़े बड़े फिल्मकार नहीं कर पाए वो मनमोहन देसाई ने कर दिखाया। कहते हैं कि दिग्गज सितारों में आपस में कॉम्पिटिशन होता है, वे साथ में काम नहीं करते, लेकिन मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्मों में एक साथ कई कई बड़े बड़े सितारों को लिया। यहां तक कि एक गाना तो उन्होंने ऐसा तैयार करवाया जो हिंदी सिनेमा के लिए ऐतिहासिक और मिसाल बन गया। इस गाने में पहली और आखिरी बार किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश ने एक साथ गाना गाया। ऐसे थे मनमोहन देसाई, जिन्हें प्यार से मन्नू देसाई भी कहते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। सच बोला है वो, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो, जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो, जिए बोलो तो मर जाए, कभी बोलूं मैं कभी बोले तू, आई लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू, मैंने तुम पे तुमने मुझ पे कर दिया जादू, आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला, राज हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो, जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। प्यार तो हमें भी आपसे ढेर सारा है और बातें हमें करनी थी आपसे, लेकिन ये जो घड़ी है ना ये बड़ी खराब होती है।